यूपी में किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी की गिरफ्तारी के बाद से प्रदेश भर के किसानों में भारी आक्रोश है। जैसे ही बीती रात को किसानों को चढ़ूनी को गिरफ्तार करने की भनक लगी तो किसानों का गुस्सा फूट पड़ा और सड़कों पर उतर आए, जिसके बाद चढ़ूनी की गिरफ्तारी के विरोध में गुस्साए किसानों ने रोहतक, गुहाना, फतेहाबाद सहित कई जगहों पर रोड जाम कर दिए। तो वहीं जाम के कारण कई किलोमीटर तक वाहनों की लंबी कतारें लग गई और यात्री और वाहन चालकों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। किसानों की मांग है कि जब तक चढ़ूनी को रिहा नहीं किया जाता, जब तक ये धरना अनिश्चितकालीन के लिए जारी रहेगा। भाइयों, अपने सरदार गुरनाम सिंह चढ़ूनी यूपी पुलिस ने पकड़ रखे हैं और कोई फोन नहीं करवाते, कोई बात नहीं करते, इसलिए यू जाम लाया है। जब तक ये उनकी आवाज़ हमारे दौरे नहीं आओगी, जब तक यू जाम रहेगा। एक दिन लागो, दो दिन लागो, रात लागो, कितना समय लागो, हम कोई भी संयुक्त मोर्चे के नेता ने इस तरह की हम बर्दाश्त नहीं करांगे जो छेड़खानी या पुलिस प्रशासन कर रहा है। किसानों को उड़ो चोट मार रखी है, जनता मार रखे हैं, टक्कर मार के मार रखे हैं, गुंडागर्दी बदमाशी दिखा रखी है उड़ो उनने। तो उन किसानों ने अपने देखने खातर, संभालने खातर और उड़ा जो भी प्रोटेस्ट करना था उसलिए वहाँ जा रहे थे वो। ये जाम इस बात को लेकर लगाया है कि गुरनाम सिंह चढ़ूनी को मेरठ में गिरफ्तार कर लिया गया है और चेतावनी दे दी गई थी कि भाई 7 बजे तक गुरनाम सिंह चढ़ूनी को रिहा कर दिया जाए, वरना हरियाणा प्रदेश में जाम भी लगेगा, जितने भी बीजेपी और जेजेपी के एमएलए एमपी का घेराव भी किया जाएगा। बीजेपी के 2 MLA को किडनैप भी किया गया है किसानों के द्वारा और अनेक जगह पूरा हरियाणा प्रदेश और जाम है, लेकिन सरकार हमारी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। ये जाम लगाया गया जी, जो हमारे किसान नेता यूपी के अंदर जो किसान शहीद हुए हैं उनके घर परिवार को देखने के लिए गए थे, उनको वहाँ पर गिरफ्तार कर लिया गया और वहाँ तक पहुँचने नहीं दिया गया। उनको जब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक ये जाम लगा रहेगा। कौन सी रोड पर जाम लगाया जी? ये फतेहाबाद हाईवे बाईपास पर है और ये जब तक जाम रहेगा जब तक उन किसान नेताओं को नहीं छोड़ेंगे। बताया जा रहा है कि भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष व संयुक्त किसान मोर्चा के अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी को यूपी पुलिस ने मेरठ में गिरफ्तार कर लिया, जो लखीमपुर खीरी में किसानों का हालचाल जानने के लिए जा रहे थे, जिसके बाद चढ़ूनी की गिरफ्तारी के विरोध में हरियाणा के रोहतक, गुहाना, फतेहाबाद जिले सहित कई जगहों पर किसानों ने बीती रात को जाम लगा दिए और तुरंत रिहाई की मांग करने लगे। तो वहीं सुरक्षा के मद्देनजर भारी पुलिस बल तैनात रहा। रोहतक से दीपक भारद्वाज, गुहाना से सुनील जिंदल और फतेहाबाद से रमेश भट्ट, पंजाब की स्ट्रीट टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।